और अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई भाई का एग्जाम कराने के लिए। रामघाट रोड का रात का नजारा, जंगल का एरिया हो चुका है शुरू। रात में आओ कभी भी आओ, यहाँ तो हमेशा ही चौराहे पर भीड़ सी रहती है। उजाला हो चुका है भाई, ये देखो सामने नील गाय। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी सुबह के भाई 6:46 ही हो पाए, अभी 7:15 बज रहे हैं। एक तो सामने का नजारा, ऊपर से साथ में तालाब, ऊपर तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा पीला पीला, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो भाई इस गांव का पेट्रोल पंप देख लो, ये रखा नाप के बिल्कुल बढ़िया तरीके से देंगे पेट्रोल, दुकानों के अंदर में पेट्रोल बिकता है। तेरा भी वीडियो आएगा, तेरा भी, चिंता मत कर, ठीक है भाई। अभी इसके यहाँ पे हम मुर्गा फार्म पे गए हुए थे, तो अभी अतरौली के बरूले और अतरौली के आलू भी हो गया। यहाँ पे एक्सीडेंट छोटा हाथी जो वो पलट गया, इसमें भैंस वगैरह थी। अभी हमें जाना है प्रियांश के टीका लगवाने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आई हो अच्छे होंगे। एक और नई सुबह, एक और नया दिन, और आज अभी हम लोग जा रहे हैं भाई अतरौली से आगे। तो भाई अभी हो रही है रात, अंधेरा हो रहा है, रात तो नहीं हो रही है, सुबह का टाइम है, अभी अंधेरा हो रहा है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई भाई का एग्जाम कराने के लिए। तो भाई पहुँचते हैं और भाई आज की जर्नी देखते हैं कैसी रहती है। रामघाट रोड का रात का नजारा, लग ही नहीं रहा कि रामघाट रोड है, अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। जंगल का एरिया हो चुका है शुरू, और भाई अंधेरे में गाड़ी चलाना बड़ा ही परेशानी वाला है। अभी तो चलो अंधेरा कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक टाइम ऐसा आएगा ना तो लाइट ही दिखाई देगी और ना ही सूरज की रोशनी। अरे भाई ट्रक वाले आँख फोड़ेगा क्या, ऊपर से रोड बड़ा ख़राब है, जगह जगह से चिपटियाँ लग रही है, टूट रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो भाई अभी हल्का हल्का उजाला होना स्टार्ट हो चुका है, और भाई कैमरा जो जैसा कि पहले बताया था, ये ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादा दिन हो गया है, पर ऐसा है नहीं। लाइट बंद कर दोगे तो अभी रोड पर ठीक से दिखाई नहीं देगा, ठीक से क्या दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और अभी हम लोग आ चुके हैं अतरौली, रात में कैसा लगता है ये, रात में आओ कभी भी आओ, यहाँ तो हमेशा ही चौराहे पर भीड़ सी रहती है। भाई पेपर वाले बच्चे तैयार खड़े हुए हैं, सब सुबह सुबह निकलते हैं बड़ी। उजाला हो चुका है भाई, और अभी पहला रास्ता आ चुका है, यहीं पर पड़ेगा थाना। थाना कौन सा है ये, तो एक रास्ता तो ये जा रहा है जिससे हम लोग गए थे, पर इससे नहीं जाएंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और भाई थाना पाली मुकिमपुर कोतवाली है भाई, थाना नहीं है, कोतवाली पाली मुकिमपुर हम चलेंगे सीधे, ये रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो भाई अभी दिन निकल चुका है और एक बढ़िया सी चीज़ मिली है, ये देखो सामने नील गाय। तो भाई ये होती है नील गाय, सींग भी देख लो इनके, होती है बड़ी खतरनाक, चेहरा होता है हिरन जैसा, शरीर होता है अजीब सही। बहुत बड़ी लड़ाई, देखो इनकी स्पीड, देखो स्पीड, देखो कैसे भागती है, ये देखो कैसे भाग रही है, कुछ ऐसा घूमती है ये। एक बार भाई मेरे सामने से निकली थी, दम निकल गया था। बच गए, मतलब एक सेकंड का फर्क था बस, मैं और कौन था, मैं और हिमांशु थे शायद, या शायद मैं और सचिन थे, मैं और हिमांशु ही थे जब हम लोग जा रहे थे। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी सुबह के भाई 6:46 ही हो पाए, अभी 7:15 बज रहे हैं, और हम लोग भाई 1 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं। तो भाई ये यहीं पे पुरानी यादें हैं, ये बहुत पहले से लगी हुई है, और सुबह सुबह जब भाई हम लोग फ्रेश होने के लिए यहीं आते थे इस वाले बाग में, भाई सुबह का माहौल बहुत ही ज़्यादा भी ठंडा है, और अभी भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यार। तो भाई गांव में आते एक दो चीज़ मिली बढ़िया, ये देखो, एक तो सामने का नज़ारा, ऊपर से साथ में तालाब, ऊपर तो सूरज दिखाई नहीं दे रहा पीला पीला, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑरेंज कलर का। तो भाई इस गाँव का पेट्रोल पम्प देख लो, ये रखा नाप के बिल्कुल बढ़िया तरीके से देंगे पेट्रोल, दुकानों के अंदर में पेट्रोल बिकता है, क्योंकि इस गाँव में आस पास में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, और यहाँ पर लगती है मार्केट जैसे गांवों के बाजार लगते हैं। तेरा भी वीडियो आएगा, तेरा भी, चिंता मत कर, ठीक है भाई। अभी इसके यहाँ पे हम मुर्गा फार्म पे गए हुए थे, और भाई सामने बस आ गई है, निकलते हैं पहले आगे बताता हूँ फिर। तो भाई इस लड़के के यहाँ पे ना अभी इसके प्लॉट में ना एक मुर्गा फार्म बना हुआ था, तो उसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे थे। तो भाई नंबर वंबर मिल जाएगा जो खरीदने वाले होते हैं उनका, और यहीं पे तालाब बना हुआ है बड़ा अच्छा खासा। सामने कॉलेज है, ऊपर लगा हुआ है उसके सोलर पैनल, वो भी घुमाने वाला, वही ये सिस्टम लगवाऊंगा मैं भी अपने कभी घर पे लगवाऊंगा तो। और उसमें सेंसर वाला आता, मोटर लगी रहती है, वो धूप के अकॉर्डिंग अपना आप घूमता रहता है पूरे दिन। धूप निकल चुकी है बढ़िया वाली, और एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है, बच्चे क्लासों में जाना शुरू हो चुके हैं।
तो अभी एग्जाम स्टार्ट हुए, 1 घंटा हो चुका है और मैं अभी गाड़ी में लेटे लेटे आराम कर रहा हूँ और फोन ही चला रहा था। और धूप अब अच्छी खासी हो चुकी है, गाड़ी के अंदर में ना अच्छी खासी गर्मी हो गई है। बाहर तो अभी हवा चल रही है, ठंड है, लेकिन अभी गाड़ी के अंदर में ना धूप आ रही है, देख सकते हो। तो उसकी वजह से ना अभी गाड़ी का कोई भी शीशा खुला नहीं है ना, तो अभी अंदर गर्मी बन गई है, बाहर तो हवा चल रही है। तो सामने भी देख ही सकते हो भाई कैसे पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिल रहे हैं। तो बाहर का मामला तो ठंडा है, तो भाई अभी गाड़ी का ना तो गेट खोलेंगे ना ही बाहर जाएंगे, अभी आराम करेंगे गाड़ी में ही, क्योंकि भाई नींद पूरी नहीं हुई है, 3-4 घंटे भी नहीं सो पाया ढंग से, तो सोना तो हो नहीं पाएगा जब तक मूवी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर सभी वेट कर रहे हैं, आधी गाड़ियाँ इधर लग रही हैं और उधर भी लगी हुई हैं सारी गाड़ियाँ, और सामने एक प्लॉट है उसके अंदर भी लगी हुई हैं और पीछे भी लगी हुई हैं गाड़ियाँ अभी। तो भाई एग्जाम हो चुका है ख़त्म, पेपर ये रखा हुआ, पेपर दे के तो आया नहीं है ये, लोग कहते हैं पेपर देने जा रहे हैं, है भाई पेपर दे के नहीं आया तो? लोग कहते हैं पेपर देने जा रहे हैं, पर पेपर देने का जाने पेपर लिखने जा रहे हैं भाई। धूप धूप जो है कड़ाके की निकल रही है अभी, ये वही खंबा है जो टेढ़ा हुआ पड़ा था, कब पता नहीं कब गिर जाए कब टूट जाए। तो अभी हम लोग रुके हैं गांव से थोड़ा सा निकलते ही, क्योंकि भाई इसको आ रहा था प्रेशर, और अभी हम लोग बस गाँव से थोड़ा सा निकलने के बाद ही खड़े हुए हैं। भाई सामने यहाँ पर केले का पेड़ लगा हुआ है, मतलब यहाँ के एरिया में ना इतने केले के पेड़ हैं भाई बेहिसाब, या केले के ही पेड़ हैं, और सामने भाई बहुत तगड़े केले आ रहे हैं, उस पर बहुत बड़े बड़े तने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ था उस पर इतने केले नहीं थे, इस पर नीचे से लेके ऊपर तक पूरा गुच्छा बना हुआ अभी। तो अभी अतरौली के बरूले और अतरौली के आलू आ चुके हैं, वैसे दोनों चीज़ आलू ही हैं, ये कटे हुए हैं और वो पूरे के पूरे आलू हैं। तो देखते हैं भाई कैसे बने हैं, कैसे बने भाई, चटनी कैसी है? अभी हो गया यहाँ पे एक्सीडेंट, छोटा हाथी जो वो पलट गया है, इसमें भैंस वगैरह थी, सामने ही बंदा चला रहा था, इसी की चोट लगी है। वही टूटा इसका वो टायर, अलग दूसरी जगह भाग गया इसका, इसी वजह से हुआ है एक्सीडेंट ये। तो भाई जो गाड़ी चला रहा था वो बची गया, उधर की साइड ही पलटी थी ये, तो उसके एक साइड में चोट वगैरह लगी है। तो भाई अभी तो पता नहीं चलेगी, घर जाके पता चलेगी चोट, तो हुआ क्या है इसमें। पीछे वाले टायर चलते हैं, वो कमानी के अंदर कसे रहते हैं, उसकी के बोल्ट टूटे हैं एक साइड के, तो टायर जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसी की वजह से बिगड़ के पलट गया है ये। तो अभी हमारे लेफ्ट में आ चुकी है बियर की फैक्ट्री, यहाँ पे बियर बनती है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं और ये सारा एरिया बियर फैक्ट्री का ही है। अभी मेन गेट और दिखाता हूँ, ये मेन गेट है, यहाँ से ट्रक जा रहे हैं, ये बियर पर जा रही है, यहाँ पे बियर बनती है भाई, पीछे तक बहुत बड़ी बनी हुई है। अभी सीजन ऑफ चल रहा, नहीं तो यहाँ पे हमेशा ट्रक खड़े रहते तैयार, क्योंकि अभी माल तैयार नहीं होगा इसलिए नहीं खड़े यहाँ पे। जब माल तैयार हो जाता है ना तो लाइन लगा के ट्रक खड़े रहते हैं यहाँ पे। यहाँ लगा हुआ है हमेशा की तरह जाम किशनपुर चौराया, आज हम बाईपास से जाएंगे, उस दिन तो सचिन को छोड़ना था इसलिए अंदर से गए थे, अंदर बहुत भीड़ मिलती है, हम चलेंगे बार बार ही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ईटा चुंगी वाले रोड से होके बाईपास से एक तरीके से, भाई सामने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ना जाने कितने हजार लोगों के परिवार रहते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो सामने कितनी बड़ी तादाद के अंदर में बिल्डिंग बनी हुई है, बस ये एक ही झलक ऐसी है जो यहाँ से दिखाई देती है, वरना यार ये बिल्डिंग जो है ना ढंग से पूरी दिखाई नहीं देती है। आज इसमें पीछे वाली बिल्डिंग भी दिखाई दे गई है, जब सामने से आते हैं ना इधर की तरफ तब ये दिखाई नहीं देती है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर और अभी हमें जाना है प्रियांश के टीका लगवाने के लिए। अभी तो ये हो रहा है खुश, और थोड़ी देर बाद देखना इसका क्या होने वाला है, 4 दिन तक परेशान करेगा ये। हाँ हाँ भाई, आज चुई ठुकेगी, छुई लगेगी छुई। बाबू के वैक्सीन लग चुकी है और अभी वो हल्का फुल्का नशे में इसको पिलाई, और आज 3 से 4 दिन तक रोने वाला है ये, अभी तो फिलहाल हंस रहा है क्योंकि दवाई का असर है। हाँ दवाई का असर है अभी। तो भी अभी भाई जो है ना वो तो निकल चुका है दिल्ली के लिए, तो भाई अब इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, ज़्यादा बड़ा करेंगे नहीं क्योंकि अभी मेरे को काम है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।